चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबको पता है कि मैं बहू की हत्या कर दी गई थी, लेकिन कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। एसटी एक्ट के अंदर अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। ये प्रशासन और जो शासन के जो लोग हैं वो बचाने का काम कर रहे हैं। पुलिस वाले भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हम पुलिस में थाने में भी आग लगा देंगे और इस काम को मैं करके दिखाऊंगी। मेरा घर से मेरा भाई गया। ये आप लोगों की यूनिटी और संगठन की ताकत है। वो 2.5 लाख रुपए भी आज अभी सबके बीच में दिया जाएगा, है ना। और जो अन्य मांग होगी उसके लिए 10 दिन का समय और निर्धारित किया जाएगा। मतलब लोगों को गुमराह करके भीड़ इकट्ठी करनी। जिन्होंने इंदुशेखर को हत्यारे हैं, जो चाहे किसी भी समाज के हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हत्यारे की कोई कौम नहीं होती। उन हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि आज से आज तक का रिकॉर्ड है कि एसटी एक्ट के अंदर अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। ये प्रशासन और जो शासन के जो लोग हैं वो बचाने का काम कर रहे हैं, जो उनके उनके जो हत्यारों को इंदु शेखर के जो पूरा परिवार है, करीबन 2 महीने हो गए न्याय मांगते मांगते, भीख सी मांगनी पड़ रही है भारत देश में रहने के बाद भी। 2.5 महीने हो गए पूरे, और आज ही उनके लड़के को पुलिस ने उठा लिया। मतलब कुल मिला के इतना धमकाया जा रहा है कि जो तुम आवाज उठा रहे हो, जो पूरा समाज एकजुट हो रहा है, ये ना हो। और उनके लड़के को पता नहीं क्या धमकाया है, मुकदमा लिखा गया है, अभी तक पता नहीं। पीड़ित परिवार की जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहली मुख्य मांगे जो है, जिन उस इंदु शेखर की जान गई, जिन हाथों से उसने उसको मकान को बनाया, सबसे पहले तो बुलडोजर से उसका मकान ढाया जावे, ढाया जाना चाहिए, साथ में ढाना चाहिए। और दूसरी बात, अभिषेक भैया, जिन मुख्य आरोपियों को प्रशासन बचाने का काम कर रहा है, नाम दर्ज, जिन मुख्य आरोपियों को नाम प्रशासन बचाने का काम कर रहा है सत्ता के नशे में, जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी होगा 24 घंटे के अंदर। ये सामाजिक लड़ाई है, क्योंकि ये जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, और किसी बिरादरी का कोई मर्डर हुआ होता तो अलग सब लोग एक पीछे पड़ जाते, हर बिरादरी हर खेल सब हो जाती, क्योंकि इंदु शेखर एक जाति समाज से है, इसलिए हमें न्याय मिलने में समय लग रहा है 2.5 महीने में। क्या उसका घर, ये सरकार बुलडोजर वाली सरकार बताती है कि हम बुलडोजर वाली सरकार है। बुलडोजर कहाँ चला गया इनका बुलडोजर, जब बुलडोजर अब तक नहीं चला तो कब चलेगा। जो इंदु शेखर थे, क्या उन्होंने एक एक ईंट उससे अपने पसीने से लगाई थी वहाँ पे, और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। तो मैं अपने सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज जो नहीं न्याय मिला तो आज यहीं बैठे रहेंगे, क्या कितने दिन हो जाए यहाँ से हिलने के नहीं। सबको पता है कि मैं बहू की हत्या कर दी गई थी, लेकिन कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अभी तक जो वो है उसका, तो जो हमारे पापा ने घर बनाया था, उसको बुलडोजर भी नहीं चला है, और हमें को हमारे भाई को नौकरी भी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं, हमारे सहायता नहीं करी। हमारे लड़के लापता है, हमारा लड़का लाके हमें यहाँ दीजिए। इसको लापता, कौन लापता है, कहाँ उठा वंशप्रिय, हमें वंश इंदु का लड़का वंशप्रिय, इंदु का लड़का वंशप्रिय 2 दिन से गायब कर रखा, हमें यहाँ लाके दीजिए। इसने गायब किया हुआ है, हमें नहीं पता, ये पुलिस के हाथ में आया, किसके
हमें नहीं पता इस बात का। अच्छा अभी पुलिस वालों ने बात कराई है आपके भैया से, तो वो कहाँ है अभी? अभी हमें नहीं पता बात उससे हो रही है, किससे करा रही है हमें नहीं पता। हमारे लगे कान पे फोन लगा दिया, कह लो बात कर लो, हमें क्या पता क्या किससे करा रहे हैं। उसे हमारे सामने लाइए, जैसे वो आके कहेगा उसी तरीके से ये मीटिंग चलेगी। पंचायत रोकने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। जो भी हमारे ये पुलिस वाले भी हमारे खिलाफ हो रहे, हम पुलिस में थाने में भी आग लगा देंगे। और इस काम को मैं करके दिखाऊंगी। मेरा घर से मेरा भाई गया घर से, मेरे परिवार तड़फ रहा है सही। और मैंने पहले भी सारे जब नहीं मानने 40 डकैत भगाए थे मार मार के, ऐसे ही मैं पुलिस को भी तोड़ दूंगी जो मेरी गैल में इंसाफ नहीं होगा। अच्छा दो महीने पहले भी प्रदर्शन किया था, तो उस समय मांगे मान ली गई थी, क्या उस मांग पे काम नहीं हुआ है? अभी नहीं, अभी कोई मांग पे हमारी पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई जो नाम दर्ज है, चलो प्रशासन कह रहा है कि भाई वो इन्वॉल्व नहीं है इस केस में, उनकी लोकेशन बाहर की बता रही है। चलो हम ये मानते हैं कि बाहर की बता रही है, जो तुम्हें अच्छा लगे, हम तो फिर भी ये सोच रहे हैं जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम कर रहे हो, लेकिन हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। प्रशासन का क्या रवैया रहा इस बीच? प्रशासन का बुराया, निष्पक्ष कोई काम नहीं हो रहा। निष्पक्ष यानी मुंह देखी बात कर रहे हैं, गुमराह करा जा रहा, भगाते हैं और फिर कुछ उस पर निर्णय नहीं हो रहा, कुछ भी परिवार गुमराह करा, न्याय की कोई भी वो नहीं है जी। कह देते आश्वासन देते, आश्वासन बार बार दिया जा रहा है इसमें, और न्याय कुछ नहीं है। पर जो दोषियों को बचाने की पूरी की पूरी उनकी कोशिश है, दोषियों की साथ दिया प्रशासन, हमारा तो मानना यही है। और यहाँ बार बार इनके साथ जो है गुमराह करने की ना कोशिश करी जा रही है। आप लोगों के कहीं ना कहीं दबाव में, और धीरे धीरे आपकी बातों को सुना भी जा रहा है, ठीक है ना। जैसे अभी एक बहुत बड़ी बात है कि उस दबंगों के जो लोगों ने 2.5 लाख के अवज में इस परिवार को बिल्कुल बेसहारा कर दिया, और उसकी भी रिकवरी 2.5 लाख रुपए की हो चुकी है, और वो आप लोगों की नगद पैसा, और नगद पैसा ये आप लोगों की यूनिटी और संगठन की ताकत है, वो 2.5 लाख रुपए भी आज अभी सबके बीच में दिया जाएगा, है ना। और जो अन्य मांग होगी उसके लिए 10 दिन का समय और निर्धारित किया जाएगा। 20 तारीख को यदि हमारी अन्य मांगे नहीं मांगी जाएगी, फिर हम लोग मजबूत तरीके से बैठेंगे। हमको समझना चाहिए, हमें माहौल देखना चाहिए कि ये सरकार किसकी है। ये सरकार उसकी है जो गरीब लोगों की और जो शोषित लोगों की, दलित लोगों की, पिछड़ो लोगों की हत्याओं का और उनके ऊपर अत्याचार करने का इन्होंने जो है जिम्मा लिया हुआ है। ये सरकार उनकी है भाई, ये गुंगी बहरी सरकार है, ये इसका तो निर्णय आप लोगों को लेना पड़ेगा। और ये जो इंदु शेखर हमारे भाई, एक बात बताइए, उसकी गलती क्या थी? वो बेचारा मजदूरी तो करने गए थे, वो अपने पैसे ही तो मांग रहे थे। ये ऐसे नालायक लोग समाज में पैदा हो गए हैं, जो लोग जो उसका अधिकार भी नहीं दे पाते हैं, तो भाई इससे ज्यादा वो हद क्या होगी। तो हर कदम आप सोच समझ के बढ़ाना है, सोच समझ के बढ़ाना है, कहीं ऐसा ना हो आने वाला समय हर बच्चे के साथ, हर आदमी के साथ इंदु शेखर वाला ही व्यवहार शुरू हो जाए।